आप राजदा दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करियर डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई में। दीदी ने पहला वर्कशॉप जून 2020 में किया। दीदी प्रोएक्टिव वॉलंटियर हैं और दीदी रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं वेस्टर्न रीजन की। दीदी एज अ रिसोर्स पर्सन कंटेंट को भी शेयर कर रही हैं ऑनलाइन एंड फेस टू फेस वर्कशॉप में। वीडियो एडिटिंग का जो काम है वो दीदी उसको पूरा संभाल रही हैं और न्यूज़ लेटर और वीकली मीटिंग में भी दीदी का पार्टिसिपेशन है। तो अभी मैं आप राजिता दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि दीदी अपनी शेयरिंग को रखें। नमस्ते दीदी, जी नमस्ते नमस्ते शर्मा दीदी। दीदी, नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है। मैं अपनी इंट्रोडक्शन को रखूं तो मैं जैसे दीदी ने ऑलरेडी कहा कि ठाकुर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ 2008 से और मुंबई में रह रही हूँ। अब कई 2005 से मुंबई में रहना हो रहा है। घर में देखें तो हस्बैंड दो सन्स हैं, 20+ इयर्स हैं। और ये जो कंटेंट है यूएचवी का ऑनलाइन वर्कशॉप मैंने 2020 में मई में किया, और ये जो मॉर्निंग सेशंस है उसको मैं 2021 जनवरी से मैं लगातार सुन रही हूँ। कई सारे प्रश्न जीवन में ऐसे भी बने रहते थे, कई सारे कंटेंट को सुनना इस दौरान होता रहता मेरे, मगर काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे यहाँ कंप्लीट नेस में मेरे को लगता है मुझे यहाँ से मिलते रहते हैं यूएचवी के कंटेंट से। अगर मैं अभ्यास एक और दो की बात करूँ तो अभ्यास एक स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना हर क्षण, ये जो ऑब्जर्वेशन है बनाए बनाए रखना हर क्षण, तो ऐसे काफ़ी डिफिकल्ट सा काम टास्क लगता है मुझे, क्योंकि जब कुछ तो 10 मिनट बैठ के देखना होता है तो उसमें भी देखती हूँ कि विचारों में बहना होता रहता है मेरा। ऑब्जर्व कर पाऊँ बिना किसी रिएक्शन के, बिना कुछ इवैल्यूएट करे हुए, ऐसा कम ही हो पाता है। मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा विचारों में बहना होता है, क्योंकि कभी कुछ समय बाद मुझे ध्यान आता है कि ऑब्जर्व करना था, तो दोबारा से मैं लौटती हूँ कि अब ऑब्जर्व करना है मुझे मुझे क्योंकि एक के बाद एक विचार, फिर कई बार जस्टिफिकेशन, ये क्यों आया विचार, उसमें उसका एनालिसिस, और इस तरह से मतलब बहना हो जाता है मेरा। 24 घंटे को देखूँ तो जब एक बार मैं बैठ के ही इतना मुश्किल होता है मेरे लिए देखना, तो 24 घंटे में विचार ऑब्जर्वेशन को बनाए रखना, देखती हूँ कि कोई जब कोई गड़बड़ होती है ना, जब कुछ भाव ठीक ठाक नहीं होते तब ध्यान जाता है कि ना देखो मुझ में अभी ये क्या गड़बड़ चल रही है। ऐसे ये इसको बनाए रखने का प्रयास बना रहता है, ऑब्जर्व करते रहने का प्रयास बना रहता है। तो कभी अकेले जैसे कोई मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ मैं, तो ऑब्जर्व करती हूँ, ऐसे ही नज़र नीचे फ्लोर की तरफ है, देखती हूँ। कुछ महीनों पहले की बात है, मैं देख रही हूँ कि ये सबके अलग अलग फुटवेयर देख रही हूँ मैं, और हर एक फुटवेयर के साथ मेरा एक अलग भाव जुड़ा हुआ है। फिर कभी देखती हूँ ऊपर चेहरों को देखती हूँ, तो देखती हूँ कि हर चेहरे से एक अलग भाव है, किसी के साथ संबंध दिख रहा है, किसी के साथ संबंध नहीं दिख रहा है। और ये बड़ा अजीब ही लग रहा है मुझे कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है इनसे, शायद मैं अगले बार कभी मिलूंगी भी नहीं इनसे, मगर क्यों इस तरह का भाव मुझ में बना हुआ है इनके लिए। जैसे कि किसी ने बहुत ज्यादा और यू नो क्या कपड़े पहन रखे हैं, है ना, तो अब ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ उसको, अपने जैसा देख नहीं पा रही हूँ, अभी दिख रहा है कि क्या पहना हुआ है, क्या कितना सारा मेकअप किया हुआ है ये, या किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, इतना सारा ना, इतने सारे ज्वेलरी पहन के कहाँ जा रही है, मतलब इतना विरोध मुझे आ रहा है।
मैं देख रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ संबंध को उनके साथ। अब मैं देखती हूँ कि ये बात मैंने देखी, जब ऑब्जर्व करी, अब कई महीने हो गए उस बात को, तो अब देखती हूँ कि मैं अब जब लोगों को देख रही हूँ तो मुझ में थोड़ा शिफ्ट आया है कि वो जो विरोध आ रहा था, किसी के साथ संबंध आ रहा था, वो थोड़ा मैं देखती हूँ कि अब कम हुआ है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर कुछ अलग से मेरे में कुछ भाव आ रहा आना मैं देखती हूँ, उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो। जैसे ही विरोध आता है ध्यान चला जाता है वहां, यानी कि अभी भी जो सहज करने वाले भाव हैं उनको उनको विचारों में दोहरा कर मैं सहज हो पाती हूँ। अभी समझ में नहीं आया है ना, इसमें समय टाइम समय लगेगा मुझे लगता है। यानी कि ऑब्जर्व करते करते प्रतिक्रिया भी साथ साथ में होती है, विचारों में बहना होता है। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है मुझे। अगर सेकंड स्टेप को देखो तब जैसे इस क्षण मुझ में भाव विचार चल रहा है, ये मेरे लिए सहज है ना, क्या इस भाव को मैं निरंतरता में बनाए रखना चाहती हूँ? ये जब मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रही हूँ मेट्रो में, इस बात को मैं अपने आप में दोहराती हूँ, क्या मैं इसको बनाए रखना चाहती हूँ इस भाव को मुझ में? थर्ड स्टेप को देखें तो इस भाव को क्या मैंने बनाया बनाए रखना चाहती हूँ, इसमें मैं आराम में हूँ क्या या अंतर विरोध में हूँ, सुखी हूँ या दुखी हूँ? ये प्रश्न करती हूँ तो लगता है नहीं, ये भाव में सुखी नहीं हूँ, ये भाव सही नहीं है। चौथे स्टेप पर जाऊं तो निर्णय किसने लिया है? किसने इस दूसरे व्यक्ति के लिए ये निर्णय लिया है? कि मैंने ही स्वयं इस निर्णय को लिया है। देखती हूँ कि निर्णय तो मैंने ही लिया है। और ये बात ध्यान आती है कई बार जब विरोध या शिकायत बनी होती है किसी के साथ, तो ये निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ ना, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस निर्णय के लिए, ये क्लियर नहीं हुआ अभी, ये दिखता है। पांचवें स्टेप को देखो तो निर्णय में निर्णय इस निर्णय को लेने का आधार क्या है? क्या समझ के आधार पर निर्णय लिया मैंने, कि किसी मान्यता के आधार पर निर्णय लिया ये भाव मुझ में बना हुआ है? ये मान्यता बनी हुई है कि जो मेरे जैसा है ना, मेरी जैसी चॉइस, जिसकी लाइक्स डिसलाइक्स मेरे जैसी है, वो तो मेरे जैसा है और बाकी लोग मेरे जैसे नहीं है, ये मान्यता बनी हुई है। अभी मतलब शुरुआत, मतलब किसी व्यक्ति को देखते ही शुरुआत भेद से ही हो रही है, मेरे अगला मेरे जैसा है वहां से शुरुआत नहीं हो रही। अगर वो अगला मेरे जैसा है ये वास्तविकता को देख पाती तो विचारों में चलाना नहीं पड़ता। और ये मान्यता ना अभी बहुत गहरी है कि अगला व्यक्ति यानी ये जो अगला मानव है ना, ये शरीर है, इसीलिए जो आवरण दिख रहा है उसको देखकर मान्य कुछ बना रही हूँ अपने आप में, चैतन्य को देख नहीं पा रही, इसलिए वो मेरे जैसा है और दिख नहीं रहा मुझे। तो अभी तो आधार मान्यता है, ये देख पा रही हूँ, ये निर्णय का आधार मेरा। कौन सा भाव मेरे लिए सहज है, संबंध या विरोध का? तो देखती हूँ कि ये क्या, ये बच्चों ने क्या कपड़े पहन रखे हैं ना, इनको समझ नहीं आता, कुछ भी मतलब पहन लेते हैं, कुछ सेंस नहीं है। तो ये विरोध क्या ये ठीक है, क्या ये व्यवस्था अनुरूप है?
ये संघर्ष से क्या मैं सहज हूं? तो मैं देखती हूं कि इस संघर्ष से मैं सहज नहीं हूं, है ना? और पांच सातवें स्टेप को देखो, कौन सुनिश्चित करता है? मैं सुनिश्चित करती हूं कि इस क्षण मेरा भाव किस अर्थ में हो, संबंध व्यवस्था के अर्थ में हो या सहस्तित्व के अर्थ में हो या नहीं, क्योंकि मैं उसे सेट कर पाती हूँ। अब देखती हूँ तो कई बार विचारों में चलाकर उसे सेट कर पाती हूँ, कई बार वो विरोध का भाव नहीं आता पहले से। अगले को समझदार जिम्मेदार बनाने में मैं सहयोग तभी कर पाऊंगी अगले में संबंध देख पाऊं, तो संबंध ही मुझे सहज स्वीकार है। बस अभी इस विरोध मतलब उसको अपने जैसा देखने देख सकती हूँ, अभी इतना कर सकती हूँ कोई मौका आने पर। अगले को समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए जो प्रयास करना होगा वो करूंगी, मगर अब अभी संबंध के भाव के साथ मैं आराम में आ सकती हूँ। निर्णय मैंने ही लिया है। अगर मैं इस क्षण सहज भाव सुनिश्चित कर पाती हूँ तो यह अगले क्षण भी सुनिश्चित कर पाऊंगी। तो इस तरह से ये अगला क्षण इस तरह से निरंतर सुखी होने का जो मेरा लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाऊंगी। ऐसा ऐसी बात जैसे मैंने यहाँ कही दूसरे को इधर मेट्रो में देखते हुए, इस तरह के पूरा मेरा जो जो एक सीक्वेंस ऑफ भाव बने रहे, विचारों में चलना हुआ। देखते हैं कि घर में भी इसी तरह से कुछ बातें होती रहती हैं। जैसे ऑब्जर्व करने बैठूं ज्यादातर भविष्य की बातें ज्यादा मुझ में विचारों में आ जाता है। पास्ट को तो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी भूल जाती हूँ, तो बहुत पास्ट में ड्वेल नहीं करती हूँ। और इवन घर में भी देखती हूँ तो हस्बैंड को कहा था कुछ सामान लाने के लिए, भूल गए। ऐसे ही करते हैं, ध्यान नहीं रहता है। ये ऑब्जर्वेशन में मेरे आया, ये विचार चल रहा है। क्या इस विचार से मैं सहज हूँ? क्या मैं इसे बनाए रखना चाहती हूँ? क्या मैं इस थर्ड स्टेप में किया, क्या मैं आराम में हूँ? क्या मैं सुखी हूँ इसके साथ? ये निर्णय किसने लिया है और ये निर्णय का आधार क्या है? आधार है ये ना मान्यता कि ये सब है ना ऐसे ही होते हैं, इनको ध्यान नहीं रहता, जिम्मेदारी नहीं लेते। नीचे गए होंगे ना तो बातें कर रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ, है ना, कुछ मिल गया होगा और ध्यान चुक गया। बाहर इम्पॉर्टेंट है सभी से ना बात करना, कि मेरे हस्बैंड की बहुत आदत है वो तो कोई मिल जाए तो बस वो काम भूल जाते हैं और बहुत सारी बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब ये भाव जो बना हुआ है मुझ में, इसमें मैं आराम में हूँ क्या? क्या ये संबंध का भाव है? तो अपने आप में फिर इन विचारों को चलाते हुए मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ, निर्णय मैंने ही लिया है ना, तो मैं सुनिश्चित कर हूँ और समझ के साथ अंदर मैं सहज भाव को सुनिश्चित कर पाती हूँ, आराम में आ पाती हूँ और अगले व्यक्ति को कुछ जो ध्यान आकर्षण कराना है वो भी आराम से करवा पाती हूँ। मगर जब जब ये नहीं हो पाता तो देखती हूँ कि कुछ ना कुछ कह देती हूँ, कुछ आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं और फिर इस तरह से देखते हैं कि कोई भी इसमें आराम में नहीं है, ना मैं ना अगले व्यक्ति। मैं देखती हूँ कि मैं कोई पूरा कंप्लीट पिक्चर को नहीं देख रही है ना? कितनी बार तो करते ही हैं, जो कहा कहती हूँ मैं काम होता ही है वैसा, मगर अभी ना पूरा फोकस क्या नहीं किया उस पर चला गया ना, क्या पूरे टाइम अभी नहीं किया ना, इतने अभी 100 बार कोई व्यक्ति कर रहा है, 10% कुछ नहीं भी हुआ, तब मेरे को जो नहीं हुआ उस पर फोकस हो रहा है। जैसे ही मैं फोकस वो 90% पर करती हूँ तो फिर कृतज्ञता के भाव के साथ का भाव मुझ में मैं देख पाती हूँ।
अभी भी ये ना विचारों में चलाना हो रहा है, ये विश्वास का भाव अभी अपने आप में दृढ़ हुआ नहीं है, इसीलिए विचारों में चला के फिर फिक्स करना पड़ रहा है। अगर ये विश्वास का भाव दृढ़ हो जाए तो ये इस तरह से विरोध आए ही ना ये देख पाते हैं। ऐसे ही वर्क प्लेस पर भी होता है, कई बार देख पाती हूँ अपनी जिम्मेदारी को और कई बार नहीं भी देख पाती। वर्क प्लेस में फिर भी काफी सारा कुछ हैंडल हो जाता है कि कुछ समय तक ही, वह परिवार में देखते हैं तो इसमें काफी समय लगता है। ऑब्जर्वेशन करते करते ध्यान आता है कि न गहरे संस्कार हैं कुछ, जैसे कि कुछ काम करना है और लेट हो रहा है, जैसे बड़ा पैनिक में चली जाती हूँ, जैसे गहरे संस्कारों को देख पाती हूँ। लेट हो रहा होता है तो घर में बोलने लगते हैं लोग कि अब इनसे बात मत करो, अभी अभी सही समय नहीं है इनसे बात करने का, क्योंकि वो जो पैनिक का सिचुएशन में आ जाती हूँ मैं, देखती हूँ कि ये जब मैं प्लान नहीं कर पाती सही से कोई चीज़ को, एडहॉक बेसिस पर मेरे को प्लान करने में बड़ा से आई डोंट नो, आई एम नॉट ओके विथ प्लानिंग। तो कई बार कहीं बाहर जाना होता है, कहीं घूमने, तो इसे अवॉइड करती हूँ मैं। मुझे लगता है कि मैं घर में ही सुखी हूँ, मुझे नहीं करना कहीं बाहर जाना। पर ये मेरे को देखना होगा कि कहीं अब देखना हो रहा है कि मैं कहाँ करेक्शन कर सकती हूँ। तो अब कई बार देखती हूँ कि ये पैनिक स्टेट में नहीं आती मैं, मैं अभी भी बहुत बार आती हूँ, अपनी मान्यताओं को देखती हूँ क्या ना उस पर ध्यान जाता है क्या होगा, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे लेट हो रहा है तो क्या होगा, लेट हो जाएगा तो ना अगले किस के लिए मुझ में क्या भाव बना हुआ है ना, इस तरह से समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी, जो काम होना है वो नहीं हो पाएगा समय पर, तो अगली बार से ध्यान रखना है मुझे कैसे थोड़ा सा बेटर कर पाऊँ। तो कुछ कुछ समय तो रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं कर पाती, इसमें काम करना है काफी कुछ मुझे। अभ्यास दो को अगर मैं देखती हूँ तो मैं चैतन्य हूँ, शरीर है, ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये अलग अलग वास्तविकताएं हैं, ये ऐसे जान पड़ता है, ये बड़ा ही एक मान्यता के तौर पर भी लगता है मुझे, क्योंकि जब व्यवहार में आता है तो अगले को चैतन्य के तौर पर देखना होता नहीं कई बार। फिर भी मैं शरीर से और शरीर के साथ बनी हुई हूँ, ये काफी धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है अपने आप में। अभी भी बहुत सारा शरीर मान के जीना हो रहा है मुझे, अभी मतलब इस तरह से कई बार स्वाद अनुसार है ना अपने आप को सुखी करना, मैं स्वाद के साथ मतलब खाने का स्वाद के साथ सुखी हो जाऊंगी। मैं और शरीर अलग अलग है, इधर कभी कभी नहीं दिखता मुझे क्लियरली, अगले की अपियरेंस को देखकर कुछ मन बना रही हूँ, अगर अपियरेंस को देखकर ही मन बना रही हूँ तो अगला व्यक्ति चैतन्य है ये नहीं देखती ना, कुछ निष्कर्ष बनाती रहती हूँ। तो ये समझ में अभी दृढ़ नहीं हुआ कि ये मानव मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये देख पाती हूँ कि ये सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये बात ठीक लगती है, कोई भौतिक रासायनिक ना आदान प्रदान मुझ में और मेरे शरीर के बीच नहीं हो रहा, सिर्फ सूचनाओं का ही आदान प्रदान हो रहा है, जैसे वो एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि सांस रोके रहें, तो जब तक चाहती हूँ तब तक सांस रोके रहती हूँ, और जब उस क्षण जब सांस को छोड़ती हूँ तो ध्यान जाता है कि ये निर्णय मैंने ही ये सूचना को पास ऑन करी और फिर शरीर उस अनुसार सांस लेना शुरू कर दिया। अभी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, कुछ खाना खा रही हूँ, टेस्टी है, स्वाद लग रहा है,
ये मतलब निकाल रही हूँ, कभी कभी टेस्टी है, खाने योग्य है क्या? इंद्रियां, यह इंद्रियों से पता चलता है, सूचना मिलती है इंद्रियों से। मैं सारे जगत इस जगत में होने का एहसास होता है मुझे, सुनकर ना, देखकर, पूरे जगत जो वर्ल्ड अराउंड में है उसकी सूचना मुझ तक आ रही है। मैं आंखें बंद करने का इंस्ट्रक्शन देती हूँ बॉडी को, आंखें बंद हो जाती हैं। बाहर जो दृश्य दिख रहा था मुझे वो अब नहीं दिख रहा, अब मैं देखती हूँ कि आंखों के पीछे का अंधेरा मुझे दिख रहा है। अब मैं ध्यान देखती हूँ तो और थोड़ी सूक्ष्म जो विचार है उसको देख पाती हूँ, और अगर आंखें बंद नहीं भी करी तो भी देखती हूँ तो दृश्य तो आंखों तक पड़ रहा है, मगर सब कुछ मैं देखती भी नहीं हूँ, कहीं विचारों में कोई हूँ तो ये सूचना है मुझ तक पहुंच रही है। जैसे मैं कल ऑटो में बैठी, और जैसे ही ऑटो में बैठी बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो बैठते ही देखा मैंने कि नजर आया कि कोई पहले बैठा होगा, तो कुछ गंदा था मतलब नीचे, तो मैंने पैर हटा लिया अपना, पैरों को दूर कर दिया। अब एक डिस्टर्बेंस अंदर चल रहा है, फिर देखा मैं दूर पैर करके बैठ सकती हूँ, एंड आई कैन सी फिंगर्स में, लेग्स में एकदम मसल स्ट्रेन हो गए हैं। अभी मैंने देखा कि यहाँ बैठा जा सकता है, कोई इतनी मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन देते ही पूरा पैरों में आराम आ गया, एकदम उंगलियों में आराम आ गया, एकदम मसल्स रिलैक्स हो गए। सिर्फ सूचना का आदान प्रदान मैं ये देख पाई। शरीर, तीसरे स्टेप को देखें, शरीर को क्या संकेत देना है इसका निर्णय कौन लेता है? तो देख, मैं देखती हूँ कि मैं ही निर्णय लेती हूँ। संवेदना को मैं पढ़ती हूँ, और मैंने निर्णय लिया कि अभी मुझे आराम से, मैं बैठ सकती हूँ यहाँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं उस ऑटो से उतरने के बाद मैंने जैसे उनको पेमेंट किया ऑटो वाले भैया को, फिर मैंने उनसे कहा कि ये है ना, थोड़ा आप देखिएगा पीछे पहले कोई बैठा होगा तो ये गंदा हो रहा है, तो अगला कोई बैठेगा ना तो उसे शायद दिक्कत होगी। तो इवन ये 10 मिनट के ऑब्जर्वेशन में मैं देखती हूँ कि इस कुछ ना ध्यान से बैठना है, शांति से, कुछ डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ वहाँ, मगर देखती हूँ बाल फेस पर आ रहे हैं ना, ध्यान वहाँ जा रहा है, इरिटेट कर रहे हैं फेस के ऊपर, धीरे धीरे ध्यान जा रहा है पैरों में, झंझनाहट हो रही है। अब वो झंझनाहट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे, अब ये जो बाल मुझे फेस पर आ रहे हैं तो इरिटेट कर रहे थे, वहां से ध्यान हट गया। अभी इरिटेट कर रहे हैं ये निर्णय भी मैं ही ले रही थी, अभी भी वो वही चल रहा है, मगर अब तो मेरा ध्यान हट गया, अब मेरा ध्यान पैरों की झंझनाहट पहुंच गया। ये संवेदनाओं को पढ़ने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ, कैसे मैं हटा पाई? मेरे चेहरे से पैरों की तरफ ध्यान चला गया मेरा, पढ़ने का निर्णय मैंने ही लिया, ये दिखता है। चौथे स्टेप में देखें तो मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, तो संवेदना और मेरे मुझ में दूरी है। बहुत सारी संवेदना तो मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ, जहाँ ध्यान देती हूँ वो संवेदना को मैं पढ़ती, है ना? इस तरह से मैं शरीर से अलग हूँ, मैं चाहूँ तो पढ़ूँ चाहूँ तो ना पढ़ूँ, तो ये चॉइस है मेरे पास, ये चॉइस बनी हुई है क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा लगता है मुझे। बाहरी परिस्थिति जो है उसका प्रभाव शरीर तक पहुँचता है और उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ। बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं, मगर मैं निर्णय पूर्वक जिसे महत्वपूर्ण समझती हूँ उसे पढ़ती हूँ, बाकी को नहीं पढ़ती। जैसे कि बहुत सारी बारिश हो रही है आजकल और हर तरफ गीला हो रहा है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, आस पास घर घर में देखें तो ऐसे ना बहुत सारी चिपचिपाहट लग रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये
किसने दिया, ये अर्थ मैंने ही दिया। और अगले ही क्षण मैंने देखा हर चीज को अपनी जगह पर लगा कर। हो ही सकता है पंखों में, पंखे में हमें यहाँ बहुत कपड़ों को सुखाना पड़ता है, वरना सूखते नहीं है। तो ये सब ये निर्णय मैंने ही लिया है। ये बाहर से जो जो प्रभाव आ रहा है इससे मैं परेशान हो रही हूँ, या इसको देखकर कोई ऐसे निर्णय लूँ, डिसीजन जो भी लूँ मैं आराम में रहकर भी ले सकती हूँ। तो ये निर्णय तो मैंने ही लिया है कि मैं प्रतिक्रिया करूँ, है ना, या जिम्मेदारी पूर्वक पेश आऊँ। जैसे कि कहीं जहाँ जाना हुआ वहाँ बहुत सारी उमस हो रही है, तब उमस हो रही है उसको लेकर इरिटेट हूँ कि खिड़की दरवाजे खोल के काफी सारा वेंटिलेशन हो शुरू हो गया, ठीक है, अब आराम में आ गया। अगर नहीं भी हो वेंटिलेशन शुरू तो ये मतलब तो मैं ही दे रही हूँ कि बहुत उमस है, बहुत गर्मी है। इनफैक्ट जब अपने आप में सेट कर लेती हूँ तो मैं देखती हूँ इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है बाहर की परिस्थिति का मुझ, और मैं आराम में रह सकती हूँ। मैं काफी पावरफुल हूँ, ये बाहर की परिस्थितियां मुझे इम्पैक्ट नहीं कर सकती हैं, ऐसा देख पाती हूँ। ऐसे ही कुछ छठा स्टेप है ना बाहर की परिस्थिति को देख, जो मैंने बात अभी कही। तो अगले व्यक्ति ने कुछ कहा, निर्णय मैंने ही लिया, मैं ही आकलन करती हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं जिम्मेदारी पूर्वक पेश आ सकती हूँ। इरिटेट होना, रिएक्शन में आना, देखती हूँ कि मैं खुद भी परेशान हो रही हूँ, अगले को भी किसी तरह से सहयोग नहीं कर पा रही हूँ। मेरा होना शून्य की इस स्थिति में बना हुआ है, मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। ये जो सातवां स्टेप को देखूँ तो दो इकाइयों के बीच में शून्य है। इस गैप को देख पाना, इस वॉइड को देख पाना दो इन दो इकाइयों के बीच में, ये दिख रहा है। ये टेस्टिंग के लेवल पर मुझे ये अस्तित्व दिख रहा है। मैं भी हूँ और शरीर भी है, ये दो इकाइयों के बीच में दूरी है। इसी तरह से निष्कर्ष पर पहुंच रही हूँ। शून्य के साथ अस्तित्व में ये जो क्रिया चल रही है मुझ में, ये चल रही है, दूरी है यहाँ भी, क्योंकि पढ़ना चाहूँ तो पढ़ू, ना पढ़ना चाहूँ तो ना पढ़ू। अब ये जो क्रिया चल रही है ये शरीर से कुछ एनर्जी नहीं ले रही है, ये अपने आप में अस्तित्व में क्रियाशील है। ये सब मतलब विचारों में ही चलाना हो रहा है मेरा, डायरेक्टली देखना नहीं हो रहा। तो अभी तो इसको कुछ एनालिसिस कंपेयरिंग के लेवल पर ही देख रही हूँ, पता नहीं इसको उस लेवल पर देख सकते भी हैं कि नहीं। सारा प्रयास जो है ना वो काफी सारा क्रिया को देखने का बना हुआ है ना, क्रिया शून्य को देखने के, कि सूक्ष्म क्रियाओं को देखने का जैसे प्रयास अभी दिखता है कि देख पा रहे हैं विचारों को, भाव लगता है जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी तो इस सूक्ष्म को भी देखने देखना पॉसिबल हो पाएगा। अभी जो अंतर है, जो भेद है, उसको देखने का ज्यादा अभ्यास बना हुआ है। जो इस दो अंतर में जो कांस्टेंट है इसको देखने की इच्छा है, एक्सपेक्टेशन बनी हुई है अभी, ये दिख रहा है। क्योंकि देखना शुरू हम जो अभ्यास है मेरा, ये संबंध रिलेशनशिप हार्मनी और कंसिस्टेंस को वहां से देखना शुरू नहीं कर पा रहे, उस एसेंस को जो रियलिटी है एज इट इज उसको नहीं देख पा रहे, क्योंकि बहुत सारा अभ्यास अन्यथा बना हुआ है। तो इकाइयाँ जो हैं उनके बीच में शून्य है, यहीं तक अभी तो देखना हो पा रहा है। अगर सुख के सुख स्वभाव है या प्रभाव इस बिंदु पर ध्यान जाता है तो दिखता है कि हैप्पीनेस इज माई इनेट नेचर, ये तो मेरा स्वभाव है, कुछ बाहर से पा नहीं सकती ना सुख को। यानी हैप्पीनेस इज नॉट अ परस्यूट, इज नॉट समथिंग दैट आई कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड, ये काफी स्पष्ट हो रहा है। हैप्पीनेस इज नॉट अ परस्यूट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग आउटसाइड टू गेट टू दैट गोल ऑफ माइन, ये तो मुझे डिस्कवर ही करना होगा अपने आप। बाहर से नहीं मिलेगा,
बाहर से कुछ करके आ नहीं सकती। ये दिख दिख ये काफी सारा क्लैरिटी आ रही है अभी। तो अगर मैं देखूं तो यदि कुछ दिख गया है तो मेरा प्रोग्राम क्या बन रहा है, बाहर कुछ करना नहीं है, बहुत सुखी हो सकते, सुखी होकर बाहर कुछ काम कर सकते हैं हम। बाहर तो सिर्फ संबंध व्यवस्था को समझने के लिए जिम्मेदार होना है, समझ के लिए काम करना होगा। विथ मोर सीरियसनेस ये मुझे दिखता है, ऑब्जर्वेशन सजगता को बढ़ाना होगा, इस तरफ प्रयास करना होगा। ये मुझे धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। कितना सारा कार्यक्रम मैंने प्रभाव के हिसाब से बना रखा है देखूं तो। अभी खाने में स्वाद ढूंढ ही रही हूँ, काफी स्पेसिफिक चॉइसेस हैं चीजों के लेकर भी मेरे, ये अच्छा लगता है ये अच्छा नहीं लगता, इस तरह से देखती हूँ। अगले व्यक्ति को शरीर न समझ के चैतन्य को के जैसे देखने का कार्यक्रम बहुत सारा काफी बाकी है, ध्यान जाता रहता है। अभी भी बहुत सारी लॉन्गिंग ना दूसरे से भाव पाने की बनी हुई है, बहुत सारा ध्यान जा रहा है इस बात पर कि देखो मुझे कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये जो अप्रिसिएशन है ना, ये से छाप छोड़ जा रहा है। अभी इतना इम्पैक्ट हो रहा है इस बात पर, इस बात का मुझ पर, तो अभी काम करना है काफी बाकी। देखो इस व्यक्ति ने ना अभी ध्यान नहीं दिया, जैसे हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया मैं कितना काम करती हूँ, एक्नॉलेज नहीं कर रहे। अभी भी है बचा हुआ काफी सारा बाहर से प्रभाव से सुखी होने का कार्यक्रम, बहुत सारा पहले बहुत सारा न्यूज देखना ना देखने का कार्यक्रम होता था, उसके तहत आर्ग्यूमेंट्स करना, काफी सारा डिबेट करना, देखो मुझे कितना पता है ना बाहर क्या चल रहा है। इस बात से अपने आप में बड़ा एक ना अहंकार सा आ जाना कि देखो मुझे कितना मालूम है। ये सब अभी काफी कुछ 90% कम हो गया है, देखती हूँ कि अभी 10% अभी भी कभी कभी कुछ बात चलती है तो ना इस आर्ग्यूमेंट में आ जाना। देखती हूँ कि कैसे आई एम ड्रॉइंग दैट एक्साइटमेंट दैट हैपनेस फ्रॉम दैट दोज डिस्कशंस, अभी भी बना हुआ है। कमिटमेंट को मैं अपना देखूँ तो कमिटमेंट तो इस ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना है। आई हैव टू नोट डाउन द ऑब्जर्वेशंस, मैं जब देखती हूँ कि मॉर्निंग सेशंस में कई बार तो मैं कर पाती हूँ, बहुत समय तक चक्कर चलता है ये, फिर नोट डाउन करना मेरा सिंसियरली नहीं हो पाता। मगर मैं जब देखती हूँ कि पुराना जब जो मैंने जो कर रखा है ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है या नोटिंग्स करी हुई है, तो उसको पढ़ने में भी बड़ा ही मुझे उसमें भी सुख ढूंढ रही हूँ मुझे कभी कभी लगता है। तो हाँ मगर ध्यान चला जाए और अपने में गति हो इन सबको देखकर मतलब आशय तो वही है। तो काफी लंबा निर्णय कमिटमेंट है मेरा कि मैं थोड़ा कुछ और लंबे समय ऑब्जर्वेशन में बैठ पाऊँ टू गो विद इन, एंड जो भी काम बन पाता है वो मेरा कमिटमेंट है बना हुआ है, जो भी सहयोग मुझसे हो पाता है वो मैं करती हूँ। सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और सभी सहयोगियों का, दीदी भैया सभी लोग जो जुड़ रहे रहते हैं यहाँ मेरी समझ को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह, बहुत ही आश्चर्य भी होता है मुझे, बहुत कृतज्ञता का भाव मेरे प्रति उनके प्रति मैं देख पाती हूँ। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। जी नमस्ते नमस्ते अपराजिता जी, जी नमस्ते दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप अपने आप को जैसे बात रखते हैं तो थोड़ा अंडर एवेल्युएट करके रखते हैं। बहुत बारीकी से और बहुत ईमानदारी से आपने ना पूरे पॉइंट्स को डिस्कस किया। जो लोगों के कुछ प्रश्न भी आए तो उससे मैं थोड़ा सा सबको बता देना चाहूंगी कि अपराजिता जी इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इतने सारे काम कर रही हैं, जो उन्होंने बात कही ना फोकस की, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। एक तो ये कि वो खुद इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इतना सारा काम कर पाती हैं, वो एक बहुत बड़ी बात।
दूसरी बात ये कि औरों को भी मोटिवेट करना, औरों को औरों से काम लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी ये जो इनका वीडियो एडिटिंग में बहुत सारा काम अपराजिता जी ने किया और एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी जो सब वीडियो एडिटिंग कर रहे थे। अब आप सोचेंगे कि इतने सब लोगों को वीडियो एडिटिंग आती थी, ऐसा नहीं है। विलिंगनेस हो काम करने की तो अपराजिता जी ने सबको सिखा दिया वीडियो एडिटिंग कैसे करना है और सब काम में लग गए और इतना बड़ा काम हो गया। तो मुझे लगता है कि औरों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में बहुत बड़ा हाथ है अपराजिता जी का। और जो ये प्रश्न आया था कि घर में लोग नाराज नहीं होते, तो मुझे लगता है कि अपराजिता जी की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हंसते खेलते वो सबके साथ ना संबंध निभाते हुए भी समय दे पाती हैं। तो किसी को भी सही व्यवहार से कोई तकलीफ नहीं होती, तो उनका व्यवहार हमेशा मैंने देखा है बहुत सही रहा है सबके साथ और मिलजुल के काम करने में वो बहुत वो काम को बहुत अच्छे से कर पाती हैं। जहाँ तक अपनी यात्रा है, बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को देख रही हैं, बट जैसा उन्होंने खुद ने कहा कि इस सेल्फ इवेल्युएशन में भी उनका फोकस क्या नहीं हो रहा उसमें ज्यादा शायद जा रहा हो, लेकिन ये भी क्लियर है कि अगर हम बहुत ज्यादा समय अपने ना विचारों में बह रहे हैं या इस टाइप का है तो काम करने में भी हमारा इतना फोकस नहीं रहेगा। तो मुझे तो दिखता है कि बहुत बारीकी से अपने ऊपर काम कर रही हैं और बहुत अच्छे से अपनी जो जर्नी है उसको बहुत ईमानदारी से उन्होंने रखा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्राजिता जी।